आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। त्रियुगी नारायण वामन द्वादशी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला, भक्तों ने भगवान विष्णु के किए दिव्य दर्शन। रुद्रप्रयाग त्रियुगी नारायण में वामन द्वादशी मेले की धूम रही। द्वादशी मेले के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, वहीं ढोल नगाड़ों और श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ मंदिर की परिक्रमाएं की गई। भैरवनाथ और भगवान नारायण के पशुनर रूप अवतरित होकर संतान प्राप्ति के लिए उपवास पर बैठी 22 दंपतियों एवं अन्य भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। छुट्टी के दिन सचिवालय पहुंचा ये IAS अफसर, हर कोई कर रहा तारीफ, तस्वीरें आई सामने। रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय से आई एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा है। यह तस्वीर कंधे पर बैग लिए एक ऐसे शख्स की है जो सचिवालय के एक दफ्तर को खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन है। उधम सिंह नगर में 10 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, ANTF ने दबोचा। जिलाधिकारी नवनीत पांडे पहुंचे आपदा प्रभावित मटियानी गांव, पीड़ितों से जाना हालचाल। जिलाधिकारी नवनीत पांडे मटियाना गांव पहुंचे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने बताया कि प्रभावितों को आवश्यक सामग्री दी जा रही है और जल्द ही सोलर लाइट गांव में पहुंच जाएगी। गठबंधन के कारण दोस्ती की, सरेंडर नहीं किया RLD की BJP को चेतावनी, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान। राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, साथ ही धामी सरकार को सलाह भी दी। पंच तत्वों से मां नंदा सुनंदा की उतारी गई नजर, भावुक विदाई का दौर शुरू। मां नंदा सुनंदा महोत्सव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच पंच तत्वों से मां नंदा सुनंदा की आरती की गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पंच आरती में पर्यटकों ने शामिल होकर मां का आशीर्वाद लिया। फीस जमा न करने के लिए पिता ने रचा षड्यंत्र, बनाई किडनैपिंग की झूठी कहानी, ऐसे खुला मामला। रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने दो बच्चों के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने स्कूल की फीस जमा न करने के लिए ये झूठा षड्यंत्र रचा था। बहरहाल पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर वादी को गिरफ्तार कर लिया है। टेक होम राशन स्कीम को लेकर मचा हल्ला, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। देहरादून के प्रेस क्लब में नारी शक्ति स्वरूप महिला संगठन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें टेक होम राशन स्कीम के तहत घोटाला होने का आरोप लगाया है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर संज्ञान लेने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उधम सिंह नगर में गांजे की बड़ी खेप बरामद, उड़ीसा से हो रही थी सप्लाई, दो तस्कर गिरफ्तार। आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप को मंगाकर उत्तराखंड और UP में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे, सरगना फरार चल रहा है। आरोपियों से पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। मौसम खुलते ही केदार यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, पटरी पर लौटी सभी हेली सेवाएं, गर्भगृह के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। विश्व विख्यात बाबा केदार के दर पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। अभी तक 11,28,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। धाम में धीरे धीरे अब मौसम साफ होते ही भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आगामी कुछ दिनों से शुरू होने वाले पितृपक्ष के दौरान यात्रियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा सम्पन्न, सरकार पर हमला पर करण मारा, अनियंत्रित निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया। बुलेट पर देहरादून DM SSP हालातों का लिया जायजा, ट्रैफिक महिला सुरक्षा को जांचा। देहरादून DM सविन बंसल ज्वाइनिंग के बाद से ही एक्शन में है। आज देहरादून DM ने SSP के साथ मिलकर बाइक से शहर का भ्रमण किया। दोनों ही अधिकारियों ने देहरादून में ट्रैफिक महिला सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा UP का कुख्यात अपराधी, सहसपुर डकैती में था शामिल। देहरादून पुलिस के ने सहसपुर लूट कांड के आरोपी नसीम को विकासनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर देहरादून पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था। जीवन भर की कमाई शेयर मार्केट में डुबोए, जेब खाली हुई तो चैन स्नेचर बना पूर्व फौजी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक पूर्व फौजी इतना मजबूर हो गया कि चैन स्नेचिंग
से लेकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसके पीछे की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वाहनों पर हाथ साफ करने वाले मामा भांजी गिरफ्तार, पंजाब से जुड़े हैं तार। क्राइम ग्राफ नहीं घटा तो थाना अध्यक्षों पर होगी बड़ी कार्रवाई, देहरादून SSP की चेतावनी। SSP अजय सिंह ने जिले के थाना क्षेत्रों के अपराधों के आंकड़ों की समीक्षा की है। समीक्षा के बाद SSP ने साफ किया है कि जिस थाने में अधिक अपराध होंगे उस थाना अध्यक्ष को हटाया जाएगा।